a beautiful day with this brutal machine. और एग्जॉस्ट अब अच्छा लग रहा है ना, पिछला बहुत रफ लग रहा था, बहुत गंदा। ओके, सो आज जो है ना दोनों बेबीज रेस्ट पे हैं, और मैं जो है ना अभी ऑयल चेक कर रहा था इसका, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दें इसका ऑयल शॉयल भी। इसमें जो है ना तकरीबन आता है कोई 2.5 लीटर ऑयल आता है, ठीक है, 2.6 समथिंग होता है, मतलब तीन बोतलें आप लेंगे तो तीसरी बोतल में से थोड़ा सा बच जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं, ये ढक्कन बहुत सख्त है यार, इसको लास्ट से ट्राई करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ ऑयल। एलोजी खुल गया। अच्छा, ये जब बाइक कभी भी स्टार्ट हो जाए ना तो ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, इसको मतलब हाथ नहीं लगा सकते आप। हमारे भाई बी आर शाह बी आर के तो रबड़ का होता ना, ये मेटल का है। क्या बात है, ऑयल टपक रहा है। अभी इसको थोड़ा सा आगे से साफ करके ना फिर दोबारा से इसको डाल। ये देखें जी, बिल्कुल क्लीन है। अब हम चेक करते हैं दोबारा से। अच्छा, ये है कि इसकी पूरी चूड़ी हम चढ़ा के ना तो उसका लेवल चेक करेंगे ताकि एग्जैक्ट हमें पता चले, क्योंकि जब ये बंद होता है तभी पता चलता है ना। वैसे तो आप ऊपर से भी चेक कर ही सकते हैं। ऑयल लेवल इज़ गुड, कुछ ज़्यादा ही गुड लग रहा है, पता नहीं। अरे अच्छा, तो ऑयल इज़ ओके। असल में पुरानी मशीन है और इसके जो मेंटेनेंस है वो बड़ी ज़रूरी है, इंजन वाइज है ना, इसके काम हैं, आवाज़ें भी हैं काफ़ी सारी। तो आज मेरा दिल है इसका एग्जॉस्ट चेंज करें। ऑयल तो फ़िलहाल ठीक है, ऑयल मैं कोई 100-200 किलोमीटर के बाद चेंज करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊँगा। आज इसका एग्जॉस्ट चेंज करते हैं, इसको पहले वॉश करवाते हैं, जाके लश करते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये वॉश हुआ है। आई होप कोई वायर्स ना एक्सपोज हो, वो मैं देख लेता हूँ और फिर इसको वॉश करवा के आपको दिखाते हैं नया एग्जॉस्ट। ऑल्सो लेट्स गिव इट अ कोल्ड स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट पे होगा या नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल होगा। खैर, इसकी तो ग्रिप भी लूज हो गई है। अच्छा, ये खुला हुआ है, ये मैंने ग्रिप्स वैसे ही चेंज करनी है, इसका तो ऑलरेडी बुरा हाल हुआ है। खैर, जी वॉश के लिए आए हैं। पहले एक पे गया था, वो कह रहे थे कि आज टाइम नहीं है, रश है, ये है वो है। तो आज तो पता नहीं लोग गाड़ियाँ को ज़्यादा वॉश करवा रहे हैं, मैं जब भी जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रश बताया जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो लेट्स सी, अब हमारा बाइक वॉश होके आए। जी तो ब्लैक बीस्ट इज ऑल वॉश्ड अप फाइनली। बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है इसको, मैं ना इस हालत में देख नहीं सकता हूँ। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप ना थोड़ी सी डिफरेंट लुक देखेंगे इसकी। मैंने थोड़ा सा प्लान किया है कि इसकी जो रफ़ पार्ट्स है ना उनको थोड़ा फ्रेश करना है। ओके बॉयज, सो हियर इज़ द एग्जॉस्ट एससी प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये कट एग्जॉस्ट इसको कहते हैं। तो ये वाला मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये मैंने वाई बी आर पे जब लगाया था, बल्कि जब मैंने लिया था तो उस पर लगा हुआ था, तो वाई बी आर की बहुत लाउड साउंड थी, बहुत लाउड एग्जॉस्ट है। सो फॉर दिस बाइक इट्स गुड। मैंने पहले एक बाइक पे सुना है, GS पे ही, तो अब इस पे भी हम ट्राई करने जा रहे हैं कि कैसी आवाज़ देता है ये। अभी लगा हुआ है वो भी ऐसी प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा ओपन एंडेड वाला है, थोड़ा सा उसका मुंह बड़ा है, ये भी लाउड है, लेकिन ना इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एग्जॉस्ट, ठीक है। आप यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगा लें कि क्या क्वालिटी हो सकती है उसकी। खैर, इसमें जो है ना अभी बेंड पाइप जो आप देख सकते हैं, इसका जो बेंड पाइप है ना ये भी मैंने रैप करना है, और यहाँ पे जो है ना ये मुझे लग रहा है कि जुगाड़ लगा हुआ है आगे, तो ये साउंड को बड़ा अफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे अगर कैट लगा हुआ है ना तो वो भी साउंड को अफेक्ट कर रहा है। बाकी जो रफ़ पार्ट्स हैं इनको मैं पेंट कर दूँगा, ठीक है, लश किस्म का पेंट हो जाएगा। इंजन पे पेंट नहीं करूँगा, ये जो इसका टप्पा है ना इसको पेंट कर दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा जब नया आया होगा तो गोल्डन बड़ा सूट कर रहा होगा, लेकिन नाउ इट्स नॉट गोल्डन एनी मोर, अब ये मैला लग रहा है।
ओके गाइस, जोर आजमाई करके ये फिट तो आ गया और ऐसा बैठा है कि ये हम शायद निकले भी ना। बड़ी मजबूती से बैठाया इसको और पक्का करता हूँ अंदर, लेकिन फिटिंग जो है ना आगे पीछे हो गई है तो हमें यहाँ पे पत्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखता हूँ अगर घर में पड़ी है तो ठीक है, वरना कुछ कर लेंगे, क्योंकि इसको मैं खुला नहीं छोड़ सकता। आप याद होगा CG125 के साथ क्या हुआ था, उस पर भी इसी तरह फंसा हुआ था एग्जॉस्ट, और रोड पर जब निकलूँ तो वो निकल के बाहर गया हाईवे के ऊपर। तो इसका तो और प्रेशर होना है, तो इसने तो रुकना नहीं है। बट लेट्स ट्राई द साउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आइडल पे थोड़ी सी बेस मुझे डिफरेंट लग रही है। ओके, दिस इज लाउड। बस मैं आपको मेन रोड पे चल के साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं ट्राई कर सकता। ओके भाई, सो एग्जॉस्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो है हम आपको मेन रोड पे जाके थोड़ा इसका लाउड करके ना साउंड सुनाऊंगा, थोड़ा रेव करके, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा रेव कर नहीं सकता हूँ। मोहल्ले वाले बाहर आ जाएंगे, या तो मोहल्ले वाले छोड़ जाएंगे या तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम रोड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इसको रेव करेंगे। साउंड का डिफरेंस मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि थोड़ा सा लाउड है पिछले वाले से। बाकी मुझे जहाँ तक फ़र्क लग रहा है, कैट का लग रहा है, कैटलाइटिक हट गया, उसके बाद साउंड और लाउड हो जाएगी। सो वी गोइंग टू ट्राई दैट ऑल्सो। और ये भाई से मैंने कहा था एक पत्री दे दें। ये कौन सी पत्री ली है? इसको सीधा करो ना, पत्री है इसके सुराख करने हैं, सुराख बहुत छोटे हैं। ये पत्री ट्राई करते हैं, पता नहीं लग जाए अगर तो खैर, लेट्स सी क्या होता है। ओके बॉयज, तो सबसे पहले अंडरपास के नीचे आपको इसकी साउंड सुनाते हैं, स्पेशली अगर आए हो आपको साउंड सुनाने के लिए। और Let's see. Okay. I think एक काम इसमें रहता है अभी करने वाला, मैं आपको खैर आगे जाके एक दफा और आवाज सुनाता हूँ। A beautiful day with this brutal machine. और एग्जॉस्ट अब अच्छा लग रहा है ना, पिछला बहुत रफ लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। तो साउंड भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, थोड़ी सी बेसी हुई है साउंड। एंड वी गोइंग टू ट्राई दैट। यहाँ पे फुलसी शुलसी होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करके आपको एक फ्लाई बाय देने में उस साइड में जाके आपको फ्लाई बाय सुनवा दूँगा इसका। ये जो कैटलेटिक है ना, इसकी गेम है। और इसको सही पक्का करने में वाइब्रेट करें, मैंने थोड़ी सी तार से ना पक्का कर दिया था कि गिरे ना, बाकी खैर है। इसको शॉप पे जाके पत्री लगाते हैं और इसके कैटलाइट किसी तरह रिमूव करवाते हैं, फिर आपको जो है ना इसकी कौन सा साउंड होगा, फिर ज़्यादा गूंज हो जाएगी साउंड की। तो जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो आ जाएगी। अच्छा जी, बेंड पाइप का कुछ करने जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी आवाज़ जो है ना हमारी बढ़ जाए। इंस्पेक्शन हो रही है कि रोला क्या है यहाँ पे, क्योंकि कैट जो है ना वो जॉइंट पे आ रहा है। शानी भाई के पास आए हुए हैं यहाँ पे हम, घुराल के पास इनकी शॉप है, और पहले भी आपने देखा होगा वीडियो में। तो देखते हैं क्या होता है।
जो एग्जॉस्ट है ना इसके अंदर जाली नहीं है, तो ये स्ट्रेट पाइप वाली आवाज़ देता है। सो वो अभी जैसे पाइप की आवाज़ है ना वही आवाज़ आ रही है। खैर अभी हम जो लगा रहे हैं वही लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बेसी साउंड देता है। फुल मेहनत चल रही है जी एग्जॉस्ट की फिटिंग के लिए। ऐसा में फिटिंग का बड़ा काफ़ी इशू आ रहा है, हम उसको वेल्ड करना नहीं चाह रहे और पाइप हमने काट दिया है, तो वहाँ पे ना कोई काबला लगाने की जगह नहीं है। तो अब काबला लगाने के लिए ना मैंने थ्योरी क्योंकि वाइब्रेशन से बहुत इशू होगा उससे, तो हम जो है पक्का काम करेंगे, लकड़ अजम पत्थर अजम। ठीक है फिर आपको अपडेट देते हैं। साउंड तो बहुत बहुत हैवी हो गई है। ओके बॉयज़, सो फाइनली एग्जॉस्ट का काम हो चुका है और हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा हिस्सा था ना, जो जिस बंदे ने भी जुगाड़ लगाया हुआ था, वो डबल पाइप हुआ हुआ था और अंदर से उसका फेस इतना सा हो गया था, तो जिस वजह से साउंड ढकी हुई थी। तो हमने जो है बिल्कुल एज पे ना यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे कनेक्शन है दोनों पाइप का, ठीक है, तो यहाँ पे लग गया। और इसका जो फिटिंग बनाई है ना, यहाँ पे अब कोई जगह नहीं थी कि यार उसको फिट कर सके। ये काबला खोल के इसके अंदर होल करके पिछली साइड से एक काबला लगाया ताकि वो एग्जॉस्ट को पकड़े, और इसको भी यहाँ से बंद कर दिया, इसको छेड़ना नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमने जो है ना बड़ा बेहतरीन सा काम किया। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका डबल स्टैंड भी है ना, तो उसके लिए हमने ये पतरी लगा दी है, रबड़ लगा दी है, तो डबल स्टैंड जब ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट पर नहीं लगेगा, उस रबड़ पर लगेगा। ये हमने जो है ज़रा पक्का काम किया। अब ये जगह खाली हो गई है, ठीक है, यहाँ भी कुछ कर लेंगे। तो अब ये जो लुक आ रही है ना इसकी, ये थोड़ी वो कैफे रेसर स्टाइल की आ रही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मॉड्स लगते जाएंगे ये लुक इसके ऊपर बैठती जाएगी, तो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी साउंड बहुत लाउड हो गई है, बहुत ही लाउड हो गई है, तो आपको इंशाल्लाह डेमो मैं ओपन जगह पे जाके दूंगा गलियों से निकल के। तो बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके काम करते हैं। yeah.